अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से जरूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इस चटनी को एक बार खा लेंगे तो आप इस चटनी के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये चटनी बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ग्रीन चटनी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रीन चटनी की रेसिपी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा शिमला मिर्च, एक कप हरा धनिया, दो चम्मच दही, 3 से 4 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन के कली। चटनी आपको कितना तीखा खाना पसंद है उसी हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं चटनी का जार। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल लेती हूँ लहसुन और हरी मिर्च, उसके साथ हरा धनिया और दही भी हम डाल देंगे, और साथ में मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पर डाल लेती हूँ। अब हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम पानी बिल्कुल भी यहाँ पर हमें नहीं डालना है, बिना पानी डाले हमें इसे दरदरा सा पहले पीसेंगे। तो देखिए, मैंने चटनी को दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के करीब नमक और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल लेती हूँ। नमक मैंने यहाँ पर चटनी के क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। आप अगर इससे ज्यादा चटनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नमक और चाट मसाला पाउडर की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। उसी तरह हरी मिर्च की भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीका होता है, और लेकिन इसका टेस्ट जो है ना, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही उम्दा होता है। इस चटनी को आप किसी भी नॉनवेज वेज पकौड़े के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इस चटनी को सैंडविच में स्प्रेड करके भी खा सकते हैं। इससे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप इस चटनी को 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। इसका कलर चेंज नहीं होगा और ना ही इसका टेस्ट खराब होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर दही डाला है। तो दही को हम ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, 4 से 5 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें और आप इसे खाएं। देखिए, इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा। मैंने यहाँ पर दही डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस क्या है ना, आप अगर चटनी को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो नींबू का रस ऐड ना कीजिए। जिस वक्त खाने का होगा आप 2 चम्मच चटनी लीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें मिलाइए, खाइए। अगर हम नींबू का रस डालकर रखेंगे तो ज्यादा दिनों के लिए भी हम चटनी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 दिन के लिए ही स्टोर कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने घर पर एक बार जरूर बनाकर देखिए ग्रीन चटनी, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें। अल्लाह हाफिज़।